बच्चों, आज मैं 11th का पहला क्लास लेने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है भोजन एवं स्वास्थ्य, फूड एंड हेल्थ। इसमें हम लोग भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन मनुष्य के न केवल जीवित रहने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि यह मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ विभिन्न कार्यों की करने की शक्ति भी देता है। खाद्य पदार्थ मूल आवश्यकता है। अपने जीवन में आवश्यक कार्य करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए तथा उसी के लिए हम ठोस व तरल खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। श्री भगवत गीता में कहा गया है, अनंत भवति भूतानि, जिसका अर्थ है मनुष्य खाद्य पदार्थों से बना है। आपकी माता गर्भ से लेकर आपका शरीर आपके द्वारा लिए गए भोजन से बना है। निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की निरंतर आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ब्रैकेट में WHO शॉर्ट में, पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त नहीं है तथा खुद को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ महसूस करता है। यह परिभाषा दर्शाती है कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवस्था है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थता की अवस्था है, न कि सिर्फ रोग का न होना। पैराग्राफ चेंज करके इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति हर समय पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, तथापि हम उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं जो अधिकतर समय पूर्ण स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। स्वास्थ्य के मुख्य चार पक्ष या पहलू होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा नंबर सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। नंबर 1 है शारीरिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है, यदि वह सक्रिय, चुस्त व फुर्तीला है, वह किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त नहीं है तथा उसमें निम्न शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1 है आयु के अनुपात में वजन और लंबाई। नंबर 2 है मांसपेशियां सुदृढ़ और विकसित। नंबर 3 है त्वचा स्वस्थ, सुंदर व चिकनी। 4 नंबर है गहरी नींद। नंबर 5 आंखें स्वस्थ और दोष रहित। नंबर 6 है रोग निरोधक क्षमता उत्तम। 7 नंबर है उत्साही, सक्रिय एवं शक्ति से भरपूर। नंबर 2 है, पहला हो गया शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा हो गया मानसिक स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से तभी स्वस्थ माना जाता है यदि उसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1 है मानसिक रूप से सतर्क और क्रियाशील। नंबर टू है दूसरों के प्रति भावुक। नंबर 3 दिमागी रोगों से मुक्त।
नंबर चार है संवेगात्मक स्थिरता। नंबर फाइव है अच्छी मानसिक योग्यता। तीसरा नंबर है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक रूप से स्वस्थ मनुष्य में सहनशीलता, प्रशंसा, दूसरों के प्रति प्यार करने वाले सभी गुण होते हैं। ऐसे मनुष्य अपना सब कुछ मिल बांट कर प्रसन्न रहते हैं। इन गुणों से मनुष्य किसी भी प्रकार के समाज में समा जाता है। इससे व्यक्ति अच्छा सामाजिक मेल जोल बनाए रखता है। नंबर फोर है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अधिकतर नैतिक सिद्धांत का पालन करता है, जैसे सच बोलना, भलाई करना, अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना, दूसरों को दुख न देना आदि। एक स्वस्थ व्यक्ति परिवार, समाज व देश के लिए संपत्ति होता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति एक बोझ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड, भोजन। भोजन हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह प्यार, मैत्री, खुशी और सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक है। भोजन वह चीज है जिससे शरीर का लालन पालन होता है। भोजन को इस तरह परिभाषित किया गया है, कोई भी ऐसा पदार्थ, ठोस या तरल, जिसके खाने से शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है, उसकी क्षतिपूर्ति और वृद्धि होती है तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, भोजन कहलाता है। पोषक तत्व। भोज पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर के आवश्यक कार्यों को करने में सहायक होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले यह महत्वपूर्ण पदार्थ भोज तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व। भोजन के वह छोटे छोटे पोषक तत्व भोजन के वह छोटे रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी निर्धारित मात्रा वृद्धि, प्रजनन और समान स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर बताऊंगा।